नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय और प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। वहीं सुदृढ़ और सशक्त लोकतंत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग अपनी स्थापना काल से ही सतत प्रयत्नशील है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष का थीम रखा गया है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। उन्होंने कहा कि इस थीम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करें। उन्होंने नए मतदाताओं को मतदान फोटो पहचान पत्र वितरित किया और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। उक्त अवसर पर चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और सभी के द्वारा मतदाता प्रतिज्ञा ली गई। इन डेमोक्रेसी द मोस्ट पावरफुल वेपन इज वोट। इफ वी ऑल मेक श्योर दैट आवर वोट गो टू द राइट पर्सन, we is ready to work for the society, then we can make the real total revolution, the call given by the our great leader Lok Nayak Jai Prakash Narayan ji. A vote should not be for any consideration. A vote should not be on the caste basis. A vote should not be on the religion basis. A vote should not be on the language basis. A vote should be always on the basis of the development of that region and the society. That will benefit the society. That is the message I want to give to the every voter of our Jharkhand.